दोस्तों, जमाई राजा के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से इस शो के सीजन 2 को लाए जाने की मांग की जा रही थी। आखिरकार फैंस की मांग पूरी होगी। जी हां दोस्तों, जमाई राजा अपने सीजन 2 के साथ टीवी पर वापसी करने के लिए तैयार है। लीड कास्ट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि मेकर्स ने जमाई राजा के लिए रवि दुबे और निया शर्मा को लीड स्टार्स के तौर पर कास्ट किया है। इस शो ने दर्शकों के दिल में 2.5 साल तक राज किया। बीच में निया शर्मा ये शो छोड़कर चली भी गई थी। निया ने बताया था कि वे अब खुद को नया अवसर के लिए आगे बढ़ाना चाहती हैं। रवि दुबे शो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि रवि दुबे के करियर के लिए जमाई राजा काफी लकी साबित हुआ। इस शो ने उन्हें लोकप्रियता होने के साथ टीवी इंडस्ट्री में बड़ा ब्रेक भी दिया। निया शर्मा और रवि दुबे के इस शो को हर वीक जबरदस्त टीआरपी भी मिलती रही। चैनल एक बार फिर से इस सुपरहिट शो को लॉन्च करने की तैयारी में है। निया और रवि दोनों एक बार फिर शो में अपने पुराने रंग में नजर आएंगे। हालांकि इस बार कहानी और किरदार में बदलाव किया जा रहा है। कहानी में तीसरे की एंट्री शो में एक बार नए ट्विस्ट के साथ दर्शकों के सामने रखा जाएगा। बताया जा रहा है कि शो में निया शर्मा और रवि दुबे के अलावा वरुण जैन की भी एंट्री होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निया और वरुण एक दूसरे को डेट कर चुके हैं। टीवी शो काली एक अग्नि परीक्षा में दोनों एक साथ नजर आए थे, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके अलावा खबर ये भी है कि जमाई राजा में निया की मां की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस अंचित कौर इस बार भी निया की मां के किरदार में दिखाई देंगी। इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको जमाई राजा सीरियल कैसा लगता था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।